हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और अभी मैं दाल फ्राई करने जा रही हूँ। दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है तो दाल फ्राई करूँगी अभी। तो आज मैंने बनाई है माँ छोले की दाल, मतलब वो क्या कहते हैं, चने की और उड़द की दाल बनाई है। जो उड़द धुल बिना छिलके वाली आती है, तो उसकी दाल बनाई है चने की दाल डालकर। इधर माँ छोले की दाल बोलते हैं तो वही निकलता है मुँह से, तो मैंने वही बनाई है। तो बस उसी को कर रही हूँ फ्राई। और थोड़ी सी बनाई थी पत्ते गोभी की सब्जी सुबह लंच में पैक करने के लिए स्कूल के लिए, तो वो भी रखी हुई है। और फिर थोड़ी सी दाल बना ली, क्योंकि क्या है, दाल वगैरह चावल हमारे दोपहर के खाने में है ना, चावल बनते हैं डेली ही हम लोगों को चाहिए। तो सूखी सब्जी से तो चावल नहीं इतने अच्छे लगते, पर पत्ते गोभी की सब्जी से अच्छे लगते हैं। तो बस इसीलिए मैंने थोड़ी सी दाल बनाई है। तो बस, और अभी दाल को फ्राई कर दूंगी और उसके बाद रख दूंगी मैं चावल बनने के लिए। तो मैंने इसमें टमाटर डाले थे, तो बस उसी को पकाने के लिए दाल में से ही थोड़ा सा पानी सा निकाल कर और उसी में डाल कर ही पका लेती हूँ, दूसरा पानी ऐड नहीं करती। और वैसे तो वो टमाटर तो ढक के रख दो, भाप में भी गल जाते हैं, पक जाते हैं। लेकिन मैं इसमें से थोड़ा सा दाल का पानी निकाल के डाल ही देती हूँ। तो बस ये देखिए बन के हो गई मेरी, मतलब दाल हो गई फ्राई और चावल रह गए हैं। तो बस चावल लगा दूंगी अब मैं इसी पर बनने के लिए। तो ये सामान ना, कुछ फ्रूट्स हैं और कुछ सब्जियां हैं, तो आई थी रात को तो मैंने ऐसे ही रख दी थी। तो फ्रूट्स तो धुल दिए हैं, बेटी ने धुल दिए थे, धुल के रख दिए अभी सुबह। और सब्जियां मैंने ऐसे ही, मतलब खोली नहीं थी और उनको ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। तो सब फ्रिज में, मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं रह गई थी, क्योंकि रात को मतलब मेरा बच्चे वगैरह रखते हैं, निकालते सामान तो ऐसे ही करते हैं। तो मैंने भी रात को सब्जियां थी जो वो ऐसे ही रख दी थी, थैली में ही पैक थी और उनको खोल के नहीं रखा था। तो बस वही मैं अब इसकी थोड़ी सी मैं कर दूंगी सेटिंग फ्रिज की, सामान वगैरह मतलब रख दूंगी सही से लगा के, तो इसमें थोड़ी जगह भी बन जाएगी। और नहीं तो फिर इसमें जगह नहीं थी, सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ फैला हुआ पड़ा हुआ था। तो बस इसमें क्या है, इसमें सब्जी मैंने थैली ही रख दी थी, सीधी थैली से निकाली नहीं थी। तो अब मैं इनको खोल खोल के रख दूंगी और इतनी गोभी आ गई है कुछ कहने को नहीं। और गोभी भी घर में कोई इतना पसंद भी नहीं करता है। तो ये मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पति हैं, तो ये गए थे मार्केट और मैंने सब्जी मंगाई नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था ये ऐसी ही सब्जियां ले आएंगे। तो क्योंकि ये जो सब्जी वगैरह लाते हैं तो उसको अच्छे से देख कर नहीं लाते हैं, तो बस इसलिए मैं सब्जी इनसे नहीं मंगाती हूँ। और इधर जब सब्जी वाला आता है तो मैं खुद ही देख कर लेती हूँ, और नहीं अगर इनसे मंगाती हूँ तो मुझे इनकी लाई हुई सब्जी बहुत कम पसंद आती है। मतलब क्या है कि जैसे ये ना सब्जी को देखते नहीं हैं और बस ऐसे बोल देंगे दुकान वाले को ये दे दो ये दे दो, और वो जैसे उसको होगा वो वैसे ही भर देता है। तो बस
फूल गोभी पहले भी इन्होंने ला के रख दी थी और कोई भी पसंद नहीं करता, और दोबारा से फिर ला के रख दी। तो वही मैं इनसे बोल रही थी कि पहले पड़ी हुई थी फिर दोबारा क्यों लेकर आ गए। तो अभी तो मेरे घर में फूल गोभी बहुत ज़्यादा हो रखी है और अभी खाने के लिए भी कोई राजी नहीं है, पर बनाऊंगी। और ये है फ्रूट्स, तो इसमें है किन्नू, तो वो मुझे तो पसंद नहीं है। मतलब अभी क्या है, इनका सीजन ना ऑफ हो चुका है, तो जब सीजन चलता है ना जनवरी फरवरी के महीने में, तो ये बहुत अच्छे आते हैं और एकदम फ्रेश ताज़ा आते हैं, तो खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और जब ये ऑफ हो जाता है ना सीजन, तो ये मतलब उतने खाने में स्वाद नहीं लगते हैं, और मुझे तो बिल्कुल भी किन्नू ऑफ सीजन के बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, ना किन्नू और ना संतरा। तो जब सीजन ऑन होता है, जब चलते हैं, तब मुझे किन्नू बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ऑफ सीजन के किन्नू होते हैं उसमें टेस्ट नहीं होता है, खा लो लेकिन वो स्वाद नहीं होता है। तो ये लेकर आ गए थे किन्नू, और थे और भी फ्रूट थे, और हरी मिर्च वगैरह है, क्योंकि अभी फास्ट चल रहे हैं तो हरी मिर्च वगैरह बहुत ज़्यादा, और मैं तो वैसे भी हरी मिर्च हर सब्ज़ी में डालती हूँ, पता नहीं कैसी मेरी आदत है, मुझे बिना हरी मिर्च की कोई सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है। तो ये अंगूर थे, तो वही मैं उनको तोड़कर और डिब्बे में भर के रख रही थी, और हरी मिर्च भी हैं, उनको भी डिब्बे में ही भर के रख दूँगी। ये होता है ना कि इस काम में भी बहुत टाइम लगता है, और अभी मेरे पास टाइम था तो मैं फ्रिज का लेकर बैठ गई करने के लिए, और नहीं तो क्या है कि अभी खाना बनाने का टाइम है, तो अभी मुझे रोटी बनाने में थोड़ा टाइम था, तो इसलिए मैंने सोचा तब तक फ्रिज की ही सेटिंग कर देती हूँ। तो इसमें भी बहुत टाइम लगता है फ्रिज का, मतलब सारा मैंने सेट किया फ्रिज, तो इसकी सेटिंग करने में भी, और अभी मेरी सफाई वगैरह तो अभी नहीं की, हो गया काफ़ी टाइम हो गया जब से नहीं की है, लेकिन अब करूँगी, नौ दुर्गों के बाद मैं फिर इसकी सफाई भी करूँगी फ्रिज की। तो अभी तो अंदर से उतना गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी तकरीबन हो गए 15-20 दिन तो मैंने इसकी सफाई नहीं की है, तो अब करूँगी इसकी भी सफाई, एक दिन टाइम निकालूँगी तब, क्योंकि ये ना घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं, और जो डेली के काम होते हैं वो तो होते ही हैं, पर ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम होते हैं, तो इनके लिए टाइम ही निकालना पड़ता है। और फिर ये है कि सुबह खाना पानी, स्कूल वगैरह, झाड़ू पोछा, इतना काम हो जाता है ना कि दोपहर होते होते थकान सी होने लगती है, तो फिर दोपहर में तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, और रेस्ट कर लो, आराम कर लो घंटे घंटे दो घंटे, तो फिर वही शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे तो थकान भी बहुत ज़्यादा होती है आजकल, इतनी थकान होती है ना, बहुत ज़्यादा थकान होती है, और पता नहीं क्यों, और अभी मतलब बीमार वगैरह रही थी इस करके मालूम नहीं क्यों ना हाथ पैर भी बहुत दुखते हैं, तो किसी किसी दिन तो बिल्कुल भी मन नहीं करता काम करने का, लेकिन ये करना तो पड़ता ही है, क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, मेरे ही घर का काम है, तो इसलिए चाहे कैसी भी हालत हो काम तो करना ही पड़ता है। तो बस अब ये सारा कुछ हो गया था, तो इधर लगा देती हूँ झाड़ू, और ना मेरी ये चुन्नी ऐसी है जो मतलब जैसे डाल लो वैसी पड़ी रहती है, मतलब सरकती नहीं है, और मेरे दुपट्टे हैं ना चुन्नियाँ वो बहुत ज़्यादा खिसकती हैं, तो इसलिए मुझे वो डालने का मन नहीं करता है। तो इससे पहले मैं जो दुपट्टा डाली थी ना वो बहुत ज़्यादा खिसकता है, बहुत गिरता है, तो और ये ऐसी है कि ये जैसे ही डाल लो वैसे ही बनी रहती है, ये बिल्कुल भी नहीं खिसकती सरकती है, बल्कि ये चिपक और जाती है कपड़ों से। तो बस मैं ज़्यादातर घर पे यही चुन्नी डालती हूँ, बस अभी इधर की झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। क्योंकि मेरा झाड़ू पोछा तो पहले सुबह हो ही जाता है,
क्योंकि नवरात्रि भी चल रहे हैं और दूसरा भी स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, तो सुबह जल्दी उठती हूँ, तो सुबह अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ जल्दी। सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है तो समझो घर का आधा काम हो जाता है, और लेकिन फिर दिन भर काम करते रहो तो फिर झाड़ू के लायक तो गंदा उतना हो ही जाता है। तो बस और ये है कपड़ों की कटिंग, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह सिल रही हूँ तो बस उसी की कटिंग है ये। और ये वाला जो मैंने आज सूट पहना है ये भी मैंने ही सिला था और आपको दिखाया है वीडियो में जो मैंने सिला था, तो ये मैंने ही सिला है अपना। तो क्योंकि मैं खुद ही अपने कपड़े तो मैं खुद ही सिलती हूँ, नहीं टेलर वगैरह से सिलाती। तो बस हो गई मेरी ये इधर की झाड़ू, अब मैं उधर की झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद मुझे फिर करनी है खाने की तैयारी।